अरे बाप रे, देखो ये सब सब बेचारा प्रेम रोग का मारल है सब। देखिए बहू, हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये हाइपोथैलेमस यही ससुरा प्रेम कराता है। हाइपोथैलेमस दो चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत भयानक करता है। देखिए ध्यान से, अगर आप सल्फर की मात्रा, मतलब आप गर्म खाना खाएंगे, तेल मसाला ये सब चीजें ज्यादा खाएंगे, तो ये हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव होता है। 7 सेकेंड में हो जाता है, 7-8 सेकेंड में आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। लड़कों में यही होता है, तो अगर आप किसी लड़की को कंटिन्यू 7 सेकंड तक देख लेंगे ना, इसे अरे बाप रे बाप कितना सुंदर है रे, बस ये ससुरा एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये एक्टिव हो जाएगा, तो एक्टिव होने के बाद वो सुंदर है कि नहीं है, अच्छी है कि खराब है, इससे बहस नहीं है, बस अब हो जाएगा, अब उसके प्रेम में आप दीवाना हो जाएंगे। वाह 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 वाह। इसीलिए आप गर्म खाना कम खाइए। इसलिए जो साधु संत होते हैं लोग ना, वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ऐसा चीज है कि हाइपोथैलेमस को सबसे तेजी से उत्तेजित करता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में लहसुन प्याज कम कीजिए। और लड़का सबको हम देखते हैं लॉज में, पटना में खड़े लहसुन फेंक देता है। एगो लहसुन खड़े, रे चुड़ी का तो मजनू बन जाएगा रे, खड़े लहसुन फेंकेगा तो आसाराम वाला कांड कर देगा। लहसुन प्याज कम से कम खाइए। लहसुन तो छोड़िए दीजिए ससुरा, कबो कबो खा लीजिए ठंडी उंडी के दिन में। लहसुन हाइपोथैलेमस को लहसुन प्याज बहुत तेज कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दूसरा, किसी को कंटिन्यू 7 सेकंड तक मत देखिए, क्योंकि अगर 7 सेकंड तक कंटिन्यू देखेंगे प्रेम हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हमारे सर कहा करते थे कि ससुरा ईगो को 7 सेकंड देखने से अच्छा है 2-2 सेकंड करके 3 गो को देख लो, है कि नहीं है? हो ये देखियो लोगे, नयन सुख भी मिल जाएगा और जिंदगी भी बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि सच्चा प्यार जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इतिहास गवाह है। चाहे आप लैला मजनू को उठाइए, हीर रांझा को उठाइए, सोनी महिवाल को उठाइए, या फिर आप दजला फरात को उठा लीजिए, उधर एगो यूरोप में थे सब, कौन सा रोमियो जूलियट, सब बर्बाद हुआ सर। अरे सच्चा प्रेम तो कृष्ण और राधा का पूरा नहीं हुआ, तो हम मानो किस डेगची के मसाला है। दो भगवान थे, कृष्ण भगवान, उन्होंने राधे से ना प्रेम था उनका। रुक्मणी अरुणाचल प्रदेश से आई थी, उत्तर प्रदेश में ब्याह होके, जिसको चीन कहता है मेरा है, अरुणाचल प्रदेश कृष्ण भगवान का ससुरार है हुआ, और चीनवा कहता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ईटानगर की रहने वाली थी रुक्मणी, यूपी में कोई उनसे ब्याह नहीं कर रहा था, सबको पता था इनका कौन कौन कांड किए हैं। समझ में आएगी नहीं? तो इसलिए प्रेम और के चक्कर में मत पड़िएगा, किसी को कंटिन्यू मत देखिएगा। देखे नहीं करेंगे तो प्रेम होगा कैसे? अब आनहर को सुने कब प्रेम हुआ है? नहीं हुआ है, लोग भी नहीं कर रहे। आगे कटरीना कैफ खड़ी है कि लता मंगेशकर, अखिया जब देख लेता है कि अरे ससुरी कितना सुंदर है रे। और लड़कियां सुंदर जानबूझ के बनती हैं सर, पूरा बाल झाड़ लेंगी सर, एगो ऐसे निकाल लेगी सर ऐसे, और जहां कोई देखेगा तो ऐसे करके चल देगी सर, ले ससुरा, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। तो ये प्रेम जो होता है, घृणा होता है, ये सारी चीजों को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। इसलिए लहसुन प्याज गर्म मसाला ये सब चीज कम कर दीजिएगा, ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। और 7 सेकंड तक किसी को मत देखिएगा। जब आपकी नौकरी हो जाएगी तो आप ध्यान दीजिएगा, सरकार आपको ये सब करने के लिए, संविधान आपको समय देता है। कैसे देता है? कि जब आपको फाइनल रिजल्ट हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है, 4-5 महीना बाद आपको बुलाया जाता है कि आइए ज्वाइनिंग के लिए। कभी सोचें कि ये बीचवा में का 4-5 महीना क्यों दिया गया है? आप बताइए, कमेंट करके बताइए, बीच में का नौकरी के बाद ये 5 महीना क्यों दिया गया, बताइए जल्दी बताइए। हाँ, इसी पटाने के लिए दिया गया है, एक नंबर, नौकरी के बाद। हाँ, नौकरी के बाद, नौकरी हो गया तो किसी को पटाना बहुत सिंपल है, बस क्या करना है, एक सर्टिफिकेट देके जाइए लड़किया को, बोले सुनो ना, कुछ जानते भी नहीं है ना लड़की को, मोहल्ला की है ना, बस सुनो ना, नाम हम तो जानबे करते हैं, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, देखो ना समझ में नहीं आ रहा है कैसे भरना है इसको, थोड़ा सा आइडिया है तो बता दो, बस कहेगी ठीक ठीक है, मेरा फोन नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, खाली नंबर दे रही, पता है ना, समझ आ गया, तो बड़ी इजी हो जाता है। और अभी ससुरा तो यूपीएससी से टॉप है लड़की को जो बेरोजगार के लिए फंसाना, इसलिए इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। समझ आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आपको 3 चीजें समझ में आ गया, हाइपोथैलेमस, प्रेम घृणा हाइपोथैलेमस, भूख प्यास हाइपोथैलेमस, पसीना हाइपोथैलेमस, प्रेम घृणा हाइपोथैलेमस, यानी ये इंटरनल चीजें जो होती है ना, हाइपोथैलेमस होता है। यहाँ पर किसी के प्रति प्रेम आ जाता है कि, लेकिन एक चीज समझिए, ये हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये ससुरा बहुत खचड़ा होता है। अगर किसी बॉडी का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो पूरे ब्रेन को डीएक्टिव कर देता है, पूरे ब्रेन पर हावी हो जाता है। होता ही ससुरा छोटा सा है, लेकिन अगर ये एक्टिव हुआ ना तो पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब करके रख देता है। इसलिए आप देखिएगा, जब कभी भी आपको पसीना आने लगता है ना, तो कहते रे बड़ी पसीना हो रहा है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? कभी सोचे क्यों? काम करने का मन नहीं करता आपको,
क्योंकि ससुरा एक्टिव क्या हो गया, ये हाइपोथैलेमस, ये जहां एक्टिव होगा बाकी को डिस्टर्ब कर देगा, भूख लग जाएगा ना, तो कहते ना भूखे पेट भजन ना होए, माने भूखे पेट कुछ नहीं होगा, क्यों, हाइपोथैलेमस एक्टिव है, गुस्सा आएगा ना काट देंगे ससुरा, तो हम जान ले लेंगे, जब गुस्सा आता है तो कोई दिमाग पे काम नहीं करता है, पिताजी समझाएंगे बाबू शांत हो जाए, चुप रहिए आप, एकदम चुप रहिए आप, देखते हैं वहां इंसान संस्कार भूल जाता है, रीजन हाइपोथैलेमस, जब किसी से प्रेम हो जाता है ना तो आदमी सब कुछ भूल जाता है, ससुरा प्रेम प्रेम ये सब फालतू चीज है यार, देखो एक बात बताते हैं, रियलिटी बात जो है वो सच सच, एक लड़का को एक लड़की से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता है, ये साइंस कहता है, लड़का और लड़की के बीच में अट्रैक्शन होता है, एक शारीरिक अट्रैक्शन होता है, उसके शरीर अच्छा रहेगा ठीक ठाक रहेगा तो उससे जल्दी अट्रैक्शन होगा, थोड़ा कम स्मार्ट रहेगी तो अट्रैक्शन कम होगा, ये प्यार नहीं होता है अट्रैक्शन होता है, तो कभी देखिए कभी बूढ़ा औरत से प्यार हुआ है, नहीं होता है, अट्रैक्शन है ये अट्रैक्शन, अब किसी को कितना खराब लगेगा कि वो एक लड़का दूसरी लड़की को जाके कहेगा कि हम तुमको देखकर अट्रैक्ट हो गए हैं, अट्रैक्शन हो गया है, खराब लगेगा ना कहने में, तो उसको वो टेक्निकल नाम दे देता है कि तुमसे प्रेम हो गया है, तुम अच्छी लगती हो, अरे चोट्टा कहीं का, तू बायोलॉजी पढ़, प्रेम शब्द कुछ होता ही नहीं है, दिस इज अट्रैक्शन, चुंबक का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींच लेता है, ये केवल और केवल अट्रैक्शन होता है, लड़कियां जिसे प्यार समझती है ना वो तो पूरा लोल होती है सर, अरे लड़कों की जिंदगी में लड़कियों की अहमियत केवल तब तक है जब तक कोई दूसरी एंट्री नहीं मारी है, जैसे दूसरी एंट्री मारेगी चल जाएगी, यहाँ पर लड़कों का लड़कियों का तो केवल एक्स होता है, लड़कों में तो एक्स वाई जेड सब होती है सर, कहीं ना कोगो को साइड के लिए रहता है, तो प्रेम लफ्ज नहीं होता है, याद रखिएगा, आप यंग एज हैं भले ही सब काम करते हैं, मना करेंगे तो मानेंगे थोड़ी ना, लेकिन याद रखिएगा जो लड़कियां या जो लड़के माँ बाप से खिलाफ करके शादी ब्याह के लिए भाग जाते हैं, भगवान उनको नरक दिखाना इस पृथ्वी पर, क्योंकि सच्चा प्रेम तो माँ बाप करते हैं, आप बूढ़े हैं जवान हैं बदसूरत हैं अमीर हैं गरीब हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में, लेकिन माँ बाप आपको हमेशा उसी स्नेह से देखते हैं, कभी देखिए ना कोई लड़कियों को सुने क्या कहते, मेरे सपनों का वो राजकुमार, कभी सुने मेरे सपनों का मजदूर, नहीं सुने होंगे वहां पर, लेकिन आप मजदूर रहे या राजकुमार रहे माँ उतना ही प्रेम करेगी आपको, इसलिए हमेशा माँ बाप को ले, माँ बाप में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, बहन और भाई में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता है, उसके बीच में प्रेम है, अट्रैक्शन ही नहीं हो सकता, आपकी बहन कभी कोई लड़की अगर छोटे कपड़े में आ जाएगी तो आपको अट्रैक्शन हो जाएगा, अरे अरे देख कौन चीज छोट पहन ले भैया, लेकिन उतने छोटे कपड़े में अगर आपकी बहन आ जाएगी ना तो आप उधर देखेंगे ही नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी बहन से प्यार है, माँ से प्यार है, बाप से प्यार है, लेकिन एक दूसरी लड़की के लिए आपको अट्रैक्शन होता है, समझ में आ गया, प्रेम नहीं होता है, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ होता है कि लड़का लड़की में प्रेम होता है, अब जो कहते हैं ससुराल को मिलिएगा ना एक साल बाद कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, जब तक उनके अंदर शारीरिक अट्रैक्शन नहीं हुआ उनको लगता है गाड़ी ससुरा प्रेम यही जिंदगी है चट्टा कहीं का, बायोलॉजी पढ़वे नहीं किया प्रेम समझ में आता है यहाँ पर, इसलिए प्रेम करिएगा ब्रेन चौपट हो जाएगा, सेरिब्रम सेरिबेलम कोनो काम नहीं करेगा क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा आपको कंट्रोल कर